हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस आ ही गया फाइनली फाइनली फाइनली, जिसका हमको इंतजार था वो टाइम आ गया है। बुज्जी इनटू भैरवा का टीजर साथ साथ में हमने देख लिया, प्रभास की एंट्री बॉस इन द बुज्जी व्हीकल, मैन इट वाज क्रेजी। सब कुछ का रिव्यू करेंगे साथ साथ में, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बोली प्रभास ने। अब इवेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हाइलाइट्स थे सब कुछ बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। यस वी नो 5 बजे का इवेंट था, और मैंने आपसे कहा था कि 9 बजे से पहले कुछ नहीं आने वाला, प्रभास 9 बजे से पहले नहीं हमारे को दिखने वाले हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता है बड़े बड़े इवेंट्स में डिलेज तो हो जाती है। लेकिन इट वॉज वर्थ द वेट व्हेन प्रभास केम। एंटायर क्राउड, जो भी क्राउड था, सब लोग पागल हो गए इतने बड़े क्राउड में। और एड्रेस करना इतने बड़े क्राउड को एक तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता होगा। आई एम श्योर जिस तरीके की एंट्री थी ना प्रभास की इन बुज्जी, इट वॉज मैडनिंग। वो फटा पोस्टर और निकली बुज्जी, और उसके अंदर बैठे थे प्रभास, और हमने देखा कि अंदर के भी विजुअल्स आ रहे थे, यानी कि जब वो गाड़ी को घुमा रहे थे पूरे स्टेडियम में, तब उनके गाड़ी के अंदर, बुज्जी के अंदर जब बैठे हुए थे, वो वाले विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे थे, स्क्रीन पर भी आ रहे थे वो वहाँ पे। एंड देन वी सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ बुज्जी एंड एवरीथिंग। भाई साहब मजा आ गया देखकर, वर्थ द वेट था। और बुज्जी का डिजाइनिंग एंड ऑल, वेल अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे कहीं कहीं पर एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, थोड़ी ज्यादा मुझे फ्यूचरिस्टिक कार की एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब कह लो कि क्योंकि दिमाग में ना वो बैट मोबाइल दिमाग में चल रहा था, और वो जो हमने पहले, जो अभी 2-4 दिन पहले स्क्रैच वीडियो में देखा है, उसमें रिवील वाले से पहले जब वो पर्दा पड़ा होता है या कपड़ा पड़ा होता है बुज्जी के ऊपर, तो थोड़ी सी ऐसे सेडान टाइप फ्यूचरिस्टिक कार लगती है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं बुज्जी को, तो एकदम डिफरेंट प्रोटोटाइप देखने को मिलता है, विच इज ऑल्सो गुड, विच इज ऑल्सो आई मीन प्लीजिंग टू आइज। अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मेरी कहीं और थी, हो सकता है, बट येस ऑल इन ऑल मजा आया देखकर। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइनिंग काफी कॉम्प्लेक्स थी, अगर ध्यान दोगे तो इसके व्हील्स काफी बड़े बड़े हैं, और वो बिल्कुल आप जब वो गाड़ी घूम रही थी इस तरीके से, इतना स्पीड पे चल रहा था वो, मुझे देख के लग रहा था कि यार भाई मतलब काफी ज्यादा तेज चल रही है। बट येस मजा आया देखकर। एंड ऑल इन ऑल भाई, जब प्रभास आए अपने उसी वाले अवतार में जो हमने उनका IPL में देखा हुआ है, वही सूट पहन के, तो भाई मजा आ गया देखकर। एंड द एंटायर क्राउड, जैसे मैं कह रही हूँ, एवरीबडी वेंट क्रेजी। यहाँ पे उन्होंने आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मोबाइल, उन्होंने बाहर निकल के काफ़ी सारी बातें शेयर करी हैं, बहुत सारा थैंक्स बोला है टू द एंटायर टीम, और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं लाइक अमिताभ बच्चन, कमल हसन सर, उनको तो बहुत दिल से उन्होंने थैंक्स बोला। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे जब इवेंट स्टार्ट हुआ था, देखो जब इवेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो ये लग रहा था कि तुरंत एकदम से ही स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से ही हमारे सामने म्यूजिक आएगा, ऑल ऑफ दैट विल कम। बट देन केम, मतलब वो धीरे धीरे बिल्डअप जो है वो स्टार्ट हुआ। पहले म्यूजिकल बैंड आया, उसके बाद कुछ बाइक के स्टंट्स वगैरह आए थे, उसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस आई, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट केम बुज्जी। और बुज्जी का भी हमने पहले तो ब्रेन देखा ही था, जो पहले पालकी में आया था, बहुत ही क्यूट लग रही थी वो, और उसके बाद हमने जो बॉडी देखी, मुझे लग रहा था कि अब दोनों चीज़ें साथ में आएंगी एक बार, ब्रेन एंड बॉडी साथ में आएगी एक बार। लेकिन वो जो शिकायत थी वो टीजर में दूर हो गई। जो टीजर आया ना, टीजर देख करके समझ आ गया कि फिल्म का क्या लेवल होगा, और मैडनेस लेवल मचाएगी ये 100%। अब देखो यार, साईफाई फिल्में हैं, ये मासी वाला तो यहाँ पर चक्कर नहीं है। लेकिन और एक चीज़ हुई यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो म्यूजिकल, जो डांस इवेंट हुआ था, जो डांस परफॉर्मेंस हुई थी, वो कल्कि के सॉन्ग टक टक वाले सॉन्ग पर हुई थी, लास्ट के लेग में, लास्ट के फेज में, तो वो सुनकर भी बहुत मजा आया मुझे। तो 2-3 ऐसी चीजें थी, अपडेट्स थी, जो जिनको देखकर, जो फर्स्ट टाइम हुई और जिसको देखकर लगा कि भाई मजे आने वाले हैं। देन इन द टीजर ऑल्सो वी सी दैट बुज्जी कम्स इन फॉर मोस्टली अ कॉमिक रिलीफ। मतलब कहीं कहीं पर जब बहुत टेंशन हो रही है, कुछ हो रहा है बड़ा, वहां पर बुज्जी जब अपना कुछ बात कर रही है, वो तेलुगु लैंग्वेज में था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उनका और प्रभास का जो एक कॉमेडी चल रही है ना, वो बड़ा देख के मजा आ रहा था। और जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो 100% मजा आएगा, क्योंकि एक टेंस्ड सिचुएशन है, उसमें से कॉमेडी हो रही है क्रिएट। एंड देन वी सी बुज्जी फ्लाइंग एज वेल। इन द टीजर हमने देखा कि वो बुज्जी हवा में भी उड़ रही है, तो वो चीजें देख करके लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। डिस्टोपियन दिखाना आसान नहीं होता यार। देखो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि डिस्टोपियन बहुत ईजी है, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव हमारे को एरा दिखाना है, इट्स नॉट ईजी। प्लस साथ में उसमें जिस तरीके का वो आप विजुअलाइजेशन होगा, डायरेक्टर का जो विजन होगा वो आप देखो ना, क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, लेकिन देन देर इज अ सेवियर ऑल्सो। अब वो कल्कि का अवतार है, भैरव है, वो कौन है, लेकिन जो भी है वो एक सेवियर है, और वो एक सिचुएशन को एस्केप भी कर रहा है साथ में। तो वो सब चीज़ें दर्शाना बहुत मुश्किल, आई एम 100% श्योर मुश्किल रहा होगा। और नाग अश्विन ने भी अपनी एंटायर टीम को, जब वो आए स्टेज पे, मतलब वहाँ पर इस एरिया में, तो उन्होंने अपनी एंटायर जो भी टेक्निकल टीम थी उसको थैंक्स बोला है, बहुत दिल से थैंक्स बोला है, बिकॉज बहुत मेहनत की गई है। आई थिंक अमेजिंग अमेजिंग टू सी।
दिस काइंड दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन. अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा. 27 जून को आ रही है फिल्म और अब हमने काफी ग्लिम्सेस देख लिए हैं, अब हमने काफी चीजें देख ली हैं, काफी कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर लिया है जिसको अब हमको इंतजार रहेगा कि हाँ भाई और चीजें अब क्या आने वाली हैं. सो भाई मजा आया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो मैं कह रही हूँ, मुझे इंतजार था एक नेक्स्ट अनाउंसमेंट का. अब क्या आने वाला है, क्या सॉन्ग आएगा, क्या प्रिल्यूड आएगा, क्या आएगा ऐसा जिसको देखकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ेगी. वेल टाइम बताएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट हो चुका है विद दिस इवेंट. मजे आने वाले हैं. फिलहाल तो मुझे बहुत मजा आया देखकर. आपका क्या रिएक्शन था, लेकिन कॉमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स.